अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे गांव में किसी की इंगेजमेंट, तो उसके लिए मुझे कोई ड्रेस चूज करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। ड्रेस चूज करते करते ये मेरे कबर्ड की हालत हो गई, आप देख सकते हैं, लेकिन ये वाले सेट हुए पड़े हैं। और अब मुझे मेकअप और चूड़ियाँ इयररिंग्स निकालने हैं। इस पाउच में मेरा मेकअप है एंड ये है चूड़ियाँ, और ड्रेस बेड पर पड़ा है, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये हेयर रिबोनिंग किट पड़ी है जो मेरे हस्बैंड ने ली थी, लेकिन उसको अब ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लेना चाहे तो 2000 रुपीज़ की है, शायद प्राइस भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। 2000 रुपीज़ की है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। और इयर रिंग्स मुझे लेने हैं ये वाले। यही मेरा ड्रेस, और ये सामने शॉपर्स पड़ी है, इसमें मेरी और मेरी फ्रेंड्स की शॉपिंग है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी मेरी फ्रेंड हेयर स्ट्रेट करवा रही है, लेकिन वो कह रही है मेरे हेयर्स नहीं दिखाओ क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता। और उसने ये वाला सीरम यूज़ किया है, सीरम बहुत ही अच्छा है। और अब उसके बाल इतने गंदे हैं तो लसा की मामा सलाह के लिए ड्रेस चूज करना है जो मुझे मेरी फ्रेंड बताएगी, क्योंकि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा पहनाऊँ। हेलो बुधा, अभी मैंने मैंने ही पहन ही पारा ऐसा सी है सिया तो ही पारा। ये रोमपर चाहिए क्योंकि विंटर के लिए अच्छा है। ये मेरी फ्रेंड का बैग पड़ा हुआ है जो जा रही हैदराबाद टेस्ट देने के लिए, मेरी बहन के साथ जा रही है, इसलिए वो अपने घर से यहाँ आई थी। उसका घर इतना दूर नहीं है, जिसके घर हम वर्निश पार्टी पे गए थे वही घर है, और वो मेरी पुप्पो की बेटी। उसके बाद अब मुझे मोहम्मद सलाह का बैग भी सेट करना है, तो उसके लिए अब मुझे डायपर और वाइप्स लेने होंगे। वाइप्स और ये शूज़ भी चाहिए होगा। मैं करती हूँ अपना बैग पैक, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे खुद नहीं पता, घर थोड़ा बहुत दूर है, हम कार में जाएंगे या पैडल, आई डोंट नो। और ये ड्रेस रखा है जो मेरी सास ने दिया है उस लड़की को गिफ्ट, जो हम लेके जाएंगे। एंड इसमें पीछे वाली आवाज़ को इग्नोर करें। और ये कुछ खर्ची। अब हम बाहर आ चुके हैं गाड़ी की साइड, हम पैडल नहीं जा रहे, गाड़ी में जाएंगे। और अब हम जाएंगे वहाँ पे, देखते हैं कौन कौन चलता है। और ये एक गाड़ी में जगह नहीं हुई तो हमने दूसरी भी निकलवाई, अब जैसे ही वो निकलेगी तो अब हम भी ज़रूर जाएंगे। खुश भी थी यहाँ। और अभी हम गाड़ी में बैठे थे तो यहाँ पे लस्सी पड़ी थी जो लड़के घूमने गए थे गवादर, तो वहाँ से लाए। और अब हम सोएब के साथ जा रहे हैं शादी पे, गाड़ी में कोई भी नहीं है, बस मैं और मलिया। अब हम पहुँच चुके हैं उनके घर, अंदर का माहौल कैसा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो रिकॉर्ड करूँगी वरना नहीं। तो यहाँ पे मैंने वॉइस कट कर दिया था क्योंकि मुझे लगा म्यूज़िक की वजह से शायद कॉपीराइट क्लेम आ जाए। म्यूज़िक तो सिंधी थे पर, लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। और भी कुछ वीडियोस हैं शायद, उनमें भी मैंने वॉइस ओवर किया है। बहुत गांव के फंक्शन की ये हालत होती है। ये बेचारा मेरी नंद का बेटा है, और दूसरा ये रहा की आवाज़ बहुत तेज थी इसलिए इस बेचारे के कान में टिश्यू डाल दिया गया है। और फिर हमने खाए दाल पापड़, क्योंकि शादियों में इनको खाने का मज़ा ही अलग होता है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और यहाँ पे अभी लाइट चली गई है, इसलिए मन्नत एंड सोहा गेम्स खेल रही है, ये बहुत ही क्यूट लग रही है, आप इनकी गेम देख लें। और अभी हम आए किचन में तो यहाँ चाय बन रही है, और मैंने हमें भी चाय दी है 3 कप से। हाँ इनको ज़्यादा चाय जगह में पी जगह में दी। और फंक्शन ख़त्म हो गया था, उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपनी, मतलब जो दुल्हन है उसके घर खाना खाने हैं, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। और जो दुल्हन है वो मेरी नंद की फ्रेंड ही है, उसके हम खाना खाने जा रहे हैं। और ये सामने मस्जिद है, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। हमने इतना सोचा भी नहीं था कि आज इतनी सर्दी होगी, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। और ये है मेरी फ्रेंड के झुमके, और अब सब अपने झुमके मेरे बैग में रख रही हैं, आप देख लें, ये सब झुमके रख रही हैं इस बैग में, क्योंकि अब सब पहन पहन के थक गई हैं। और ये है इनका घर जहाँ हम अभी आए हैं, ये बिरयानी, और ये है मिट्टी चावल जो अभी हमने गर्म करने के लिए रखे हैं।
और खाना खाने के बाद फिर हम आ गए थे घर, और मेकअप करने के बाद क्या हालत होती है आप सबको पता होगा, इसलिए अब मुझे ये पूरा सामान सेट करना है, और जो मैंने पहले बताया हालत हो गई थी कबर्ड की तो वो भी सेट करने हैं। अब मैं इसे सेट करूँगी एंड पहले मैं लिपस्टिक रख देती हूँ क्योंकि वो मैंने निकाली ही सिर्फ एक थी, इस पाउच में मैं लिपस्टिक रखूँगी एंड अब ये पूरा सेट। मैंने अपने रूम की सफाई की तो मोहम्मद सलाह के पैर पर किसी की चीज़ पड़ी थी और मेरे रिलेटिव में से किसी की होगी क्योंकि सब साथ ही बैठे थे, और अब जिसकी भी है वो कमेंट में आके बताए और अपनी चीज़ लेके जाए। मैं खा भी सकती हूँ लेकिन मुझे जेली वगैरह नहीं पसंद और नूडल्स पसंद है लेकिन अभी मुझे भूख ही नहीं लगी तो इसलिए वो मैं अभी नहीं बनाई है। जिसकी चीज़ भी है वो बराए मेहरबानी अपनी चीज़ यहाँ से ले।